Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. Hello and welcome to Decon Nest by me. हाँ, लोग आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी खुशी का राज। और वो क्या है? तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एप्पी हाउस टूर। वो आपको पसंद आए और किसी भी रीजन से मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड प्लीज अवॉइड करिएगा ये इकोइंग साउंड बिकॉज एप्पी हाउस है, सो आई कांट हेल्प इट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। घर का मेन डोर है, ये मेरा लिविंग रूम है पूरा, काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज हैं, ये डबल हाइटेड सीलिंग है, और ये सामने पूरा मेरा लिविंग रूम के बाद डाइनिंग है। तो चलिए मैं आपको राइट में लेके जाती हूँ। तो ये स्टेयरकेस है राइट में घर के, और यहाँ पे पाउडर रूम है, तो ये अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इतना हो गया है कि मैं आपको दिखा सकूं। इससे राइट आने पर ये गेस्ट बेडरूम या पेरेंट्स रूम है, इसके साथ ये अटैच बाथरूम है इसका। एंड ये रूम है, यहां से बाहर का ऐसा व्यू है। तो चलिए बाहर चलते हैं यहाँ से। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पर है। नेक्स्ट सेम फ्लोर पे ये एक और एरिया है, ये आपको बाद में पता चलेगा इसको मैं किस तरीके से यूज करूंगी। और ये मेरा किचन है, ये जो भी मॉडिफिकेशंस कराने थे वो हमने कराए थे, बिल्डर ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रहा था बट हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कराए थे। इसकी फ्लोर हमने ऐसे करवाई है किचन की। और ये यूटिलिटी है। बाहर का एरिया अभी मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, थोड़े बस ग्लिम्प्स दूंगी आपको। ये एक डेक है, ये स्टेयरकेस है, खूब बड़ी बड़ी विंडोज हैं, और यहाँ पे भी एक बड़ा सा डेक और गार्डन है। तो ये मेरा मेन गेट है, ये किचन है, ये डेक एंड गार्डन है, इधर यूटिलिटी है पीछे, ये मेरा लिविंग है, पेरेंट्स बेडरूम है,
अब चलिए चलते हैं ऊपर। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये हमारा पाउडर रूम है। ये खूब बड़ी सी विंडो है स्टेयर पे भी। स्टेयर से चढ़ के लेफ्ट साइड में ये मास्टर बेडरूम है। अभी फ्लोरिंग नहीं हुई है, इसमें वुडन फ्लोरिंग होगी जो लेटर ऑन स्टेजेस में होगी। इसमें भी अटैच बाथरूम है। और इसके अंदर स्लांटेड सीलिंग और इसके साथ एक टेरेस भी अटैच्ड है। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है जिससे कि नीचे का दिखता है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत तेज धूप हो रही है। एक टेरेस है, उसका ये व्यू है। चलिए अंदर चलते हैं। मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम से बाहर निकल के आता है हमारा फैमिली लाउंज। तो ये हमारा फैमिली लाउंज है। और इस तरफ ये हमारा मेन गेट आ गया नीचे, और हमारा लिविंग रूम आ गया। ये पूरी ग्लास रेलिंग के साथ आता है। तो ये राइट साइड में आपने देखा हमारा मास्टर बेडरूम। तो चलिए अब लेफ्ट साइड में दिखाती हूँ। तो लेफ्ट साइड में फैमिली लाउंज से चलते हैं। तो हमारे पास एक ये रूम है। इसी से मिला हुआ एक और रूम है, ये किड्स बेडरूम है। इसमें भी काफी सारी लाइट आती है, काफी बड़ी बड़ी विंडोज हैं। इसके साथ भी बाथरूम अटैच्ड है। और एक टेरेस भी है। ये भी पूरी ग्लास रेलिंग है। काफी अच्छी हाइट पर है तो कोई डेंजर नहीं है यहाँ पे। ये हमारा गार्डन है नीचे। बच्चों के रूम में गार्डन व्यू है बैक साइड में। ये डेक है हमारा और उस तरफ भी गार्डन है। इधर भी हमारी बाउंड्री में ये यूटिलिटी है और उधर आगे जाके डेक है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये हम किड्स बेडरूम में वापस आ गए हैं।
ये लेफ्ट में हमारा एक एक्स्ट्रा रूम है, यहाँ पे हमारा फैमिली लाउंज है, ये हमारा मास्टर बेडरूम था। अब हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर था, अब हम सेकंड फ्लोर जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक बड़ी सी विंडो है, तो ये है हमारा मल्टीपर्पज रूम। इस मल्टीपर्पज रूम से टू टेरेस मिलते हैं, एक ये टेरेस है जो फ्रंट में है घर के, और नेक्स्ट ये टेरेस है जो बैक साइड में है, एंड ये काफी बड़ी है। और यहाँ पे इससे ऊपर भी एक टेरेस है जिसके लिए स्पाइरल स्टेयर लगाई गई है। यहाँ से रोड भी दिखती है मेन। होप आपको दिख रही हो। तो ये हमारी टेरेस है। तो हम वापस से मल्टीपर्पज रूम में जा रहे हैं। ये मल्टीपर्पज रूम में हम वापस आ गए, जब स्टेयर से हम ऊपर आए थे। तो दूसरा टेरेस था जो फ्रंट का था। इस तरफ में यहाँ पे एक बाथरूम भी दिया है अटैच्ड। और यहाँ पे कबर्ड की स्पेस भी दी है एक्स्ट्रा। तो ये है मेरा घर का टूर। ये है मेरा घर का साइड पाथ गार्डन के साथ। ये आ गया मेरा डेक। ये है मेरा डाइनिंग, लिविंग, मेन डोर। ये आ गई नविका। ये अनदर पैच बाउंड्री का गार्डन के साथ पाथ। कुछ काम बाकी है, ये उसका सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये हमारी यूटिलिटी है किचन की, ये किचन है। अब यहाँ का टाइलिंग वर्क बचा हुआ है। ये एक अनदर डेक है स्टेयर के पास, उसे किचन भी विजिबल है। ये मेरा फ्रंट पार्ट आ रहा है घर का। दिस इज द फ्रंट गार्डन। ये पार्किंग आ गई और ये मेन डोर है। ये था मेरे घर का टूर। होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। अभी तो आपने एम्प्टी टूर देखा है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वन, जब मैं पूरा घर डेकोरेट अपना कर लूंगी या कुछ लेवल तक डेकोरेट कर पाऊंगी। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करिएगा एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और बिग थम्स अप जरूर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। चलो चलो आराम से आराम से आराम से।